वेलकम टू अनप्लग्ड एग्जाम। आज की क्यूज में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको डेली जीके एंड करंट अफेयर्स की क्यूज का वीडियो रोज़ रात के 9 बजे मिल जाएगा और इस क्यूज में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन का टाइम होगा 5 सेकेंड। और इस क्यूज का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज जीके एंड करंट अफेयर्स को भी लाइक कर लें। चलिए आज की क्विज स्टार्ट करते हैं। आज की क्विज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी COSC के नए अध्यक्ष बने हैं। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, विपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर हर्षवर्धन किस वर्ष तक भारत को TB की बीमारी से मुक्त करने के उद्देश्य से TB हारेगा देश जीतेगा अभियान की शुरुआत की है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में कैरिबियन कम्युनिटी को विकास के लिए कितने मिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, 14 मिलियन डॉलर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, विश्व हृदय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत के बाद किस देश में महात्मा गांधी जी की सबसे अधिक स्मारक और प्रतिमाएं लगी हुई हैं। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। जल्दी से आंसर कीजिए। टाइम अप। इसका आंसर है बी, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन और अरुण धूमल को हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, मोहम्मद अजहरुद्दीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर लांस क्लूजनर को किस देश की क्रिकेट टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया गया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस सोशल मीडिया नेटवर्क कंपनी ने धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से एक नई वित्तीय घोटाला नीति पेश की है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, ट्विटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पहलवान योगेश्वर दत्त और किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी ने हाल ही में भाजपा पार्टी ज्वाइन की है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, संदीप सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 में कौन सी भारतीय गेंदबाज 3 ओवर मेडन फेंकने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बन गई हैं। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। जल्दी से आंसर कीजिए। टाइम अप। इसका आंसर है बी, दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के खेत में से निकलने वाली गैस है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, मीथेन गैस। धान के खेत में से निकलने वाली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि नाइट विजन में किया जाता है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ।
टाइम अप। इसका आंसर है सी, अवरक्त तरंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, अनुच्छेद 57 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, मुंबई अपतट क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। जल्दी से आंसर कीजिए। टाइम अप। इसका आंसर है ए, लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठतनाव में क्या परिवर्तन होता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, उसका पृष्ठतनाव घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, पत्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। जल्दी से आंसर कीजिए। टाइम अप। इसका आंसर है डी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। जल्दी आंसर कीजिए इसका। टाइम अप। इसका आंसर है डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोका कॉफी कहाँ उगाई जाती है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, यमन। मोका कॉफी यमन में उगाई जाती है। ये थी आज की क्विज। आपको ये क्विज कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दें। कल मिलते हैं इसी टाइम नेक्स्ट क्विज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।